नमस्ते प्यारे दोस्तों, पिछली बार हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था अकाउंट, उसमें कितना अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाता है वो हमने शो किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में। इस बार हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट खोलेंगे और उसकी नेट अमाउंट हमने यहां शो करनी है, जिसकी एडजस्टमेंट इसी के बीच में हो जाएगी। तो कैसे हो गई? नंबर एक पे जो आपका न्यू प्रोविजन है डाउटफुल डेट्स का, मान लो 10% है, तो इसको आपने यहां शो कर देना है, ठीक। उसके बाद प्लस कीजिए इसमें जो आपका बैड डेट्स है ट्रायल बैलेंस में, और जो बैड डेट्स है ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो उसको यहां इसमें ऐड कर देना है। टोटल बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है प्लस जो ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड है, ठीक। इसको आपने टोटल कर लिया, इसमें से आपने घटा देना है। क्या घटाना है इसमें? के जो ट्रायल बैलेंस में जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस उसको घटा देना है। तो जो अमाउंट आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। तो ऐसा है कि बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाते थे, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ये सारी एडजस्टमेंट करनी होगी। एक बार फिर समझ लीजिए आप, सबसे पहले आपका न्यू प्रोविजन है, कितने डेटर्स हैं, उसका मान लो 10% है, वो उसको हम शो कर देंगे। उसके बाद जितना बैड डेट्स है, चाहे ट्रायल बैलेंस के अंदर है चाहे ट्रायल बैलेंस के बाहर है, उसको शो कर देंगे। उसमें से जो ट्रायल बैलेंस के बीच में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है उसको घटा देंगे। नेट अमाउंट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।